For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. जो लोग अभी देख के आ रहे हैं उनको सबको बहुत ही अच्छी लग रही है, सबके सबको मिल रहा हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं जिस तरह से लिखी गई है, जिस तरह से कैरेक्टर्स को दर्शाया गया है, सब लोग बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। आई एम रियली हैप्पी, बहुत 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 खुश है। आपने उठाया ये टॉपिक, कब आपके माइंड में आया कि मेरे को ये नहीं, एक्चुअली ये टॉपिक मेरे माइंड में नहीं आया। एक्चुअली ये एकता जी का और समर खान उनका कॉन्सेप्ट था। मैं थोड़ा बाद में आया, ये सीरीज से इन्वॉल्व हुआ, लेकिन जब मैंने सुना ये स्टोरी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी स्टोरी और मैं बहुत एक्साइटेड था ये स्टोरी पे काम करने के लिए। मुझे मौका मिल रहा है एंड आई एज रियली हैप्पी। जी 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 सर, बहुत ही चैलेंजिंग थी, बट हम लोगों ने चैलेंज को बहुत ही पॉजिटिवली ले लिया। और जब प्रेशर के अंदर आदमी हो और प्रेशर आप पॉजिटिवली जब यूज़ करो उसको, तो आपके काम में उससे मदद ही होती है। तो आई वुड से कि पहला प्रोजेक्ट था, काफ़ी प्रेशर भी था, लेकिन हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से प्रेशर को चैनलाइज करके आई थिंक वी डिड ओके। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, हाँ जी, हाँ बन सकती थी, सिनेमा घरों में भी इसे लाया जा सकता है। जी आपका क्या टेक है सर? हो तो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है ये ऑल्ड बालाजी पे जब आ रही है वो भी उतना ही अच्छा है या शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से एकता जी शी हैड अ विजन अबाउट दिस एंड द वे वी ट्रीटेड द होल प्रोजेक्ट। आई नॉट श्योर कि मैं और किसी शायद प्रोड्यूसर के साथ करता तो यही ऐसे ही होती, अगर जैसे एंडमॉल शाइन इंडिया ने जिस तरह से इसको प्रोड्यूस किया है बेसिकली, वो उससे काफ़ी सारा मेरे ख्याल में ये स्टोरी वेब सीरीज फॉर्मेट में बताना आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड आइडिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार बहुत बढ़िया रिएक्शन है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर एक एक्टर को बोलना पड़ता है कि बढ़िया रिएक्शन मिल रहा है, वाकई अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। मेरी 9 फिल्में की हुई हैं, 6 रिलीज हुई हैं, ऐसा रिएक्शन मेरे कभी फिल्म के लिए नहीं आया है, तो बहुत बढ़िया रिएक्शन है और मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि एक नया स्पेस है और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर है, इंडस्ट्री का फ्यूचर है। तो अगर अच्छे शोज बनेंगे ना तो और क्या चाहो नहीं जाएगा जिंदगी। अरे यार, मैंने आर्मी का नाम सुना और मैंने तुरंत ही साइन कर लिया था शो, क्योंकि मुझे एक आर्मी का भाग बनना था, बचपन में ये सपना था, मैंने कहा फिल्मों में पूरा कर लूँगा मैं, तो आया आर्मी का, मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, करते हैं। और बहुत अच्छे एक्टर हैं यार इसमें, इसमें राहुल देव हैं, निमृत कौर हैं, अतुल कुलकर्णी हैं जो बहुत दिग्गज बढ़िया एक्टर हैं, मैंने जोरा है, भुवन अरोड़ा है, बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं इसमें, सो मैं काफ़ी खुश हूँ। और मुझे एक्टर्स ज़्यादा एक्टर्स के साथ काम करना था, क्योंकि जो मैंने फिल्में की हुई हैं वो एक बंदा रणदीप हुड्डा है या सैफ अली खान है या पंकज त्रिपाठी या संजय मिश्रा है, इसमें 4-5 अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करने को बहुत फ़ायदा होता है एक एक्टर के लिए और तराशता है एक एक्टर। जैसा कि हमने आपको स्क्रीन से देखा बिलाल सिद्दीकी आपकी एक आर्मी फोर्स के सिवा एक रोमांटिक ट्रेंड भी चल रहा था आपका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो आपने आधी देखी ना जो, तो आप देख लो पूरा, फिर हम बात करते हैं इस पर। सस्पेंस तो बहुत है, उसके एक्साइटेड है, हम तो एक्साइटेड थे मूवी देखने के। यार मैंने इस शो इस कारण किया बिकॉज मुझे लगा रोल बढ़िया है, मुझे लगा इस बंदे का जो जर्नी है, जो ग्राफ है बहुत बढ़िया है। तो जैसे आप कह रहे हैं आपने 6 एपिसोड्स ही देखे ना, तो आगे आगे देखो बिलाल सिद्दीकी कि क्या करता है और कैसे क्या कैरेक्टर बनता है इसका। किसी तरह का होमवर्क किया आपने इस कैरेक्टर? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ा, क्योंकि आर्मी की तो सपना तो था लेकिन कोई प्रैक्टिस तो थी नहीं, तो ऑब्स्टिकल कोर्स करना पड़ा, कैसे रेंकते कैसे रोप्स क्लाइम करते हैं, और क्या क्या हमने बंदूकें चलाई, कैसे पकड़ते हैं बंदूक को, कैसे बैठते हैं, कैसे पोजीशन लेते हैं, कैसा निशाना लगाते हैं, तो वो उन चीज़ों में बहुत मज़ा आया मुझे। और वो यूनिफॉर्म पहनने में तो बहुत मज़ा आता है यार, और आर्मी के लिए रिस्पेक्ट तो है ही है, लेकिन और बढ़ चुका है। जैसे कि 26 जैन को आ रही है, तो ये एक इंडियन आर्मी के लिए ट्रिब्यूट होगी फिर ये मान लिया जाए। ये क्या क्या कह रहे हो कि ये करेक्ट डेट है रिलीज़ के लिए? अरे बिल्कुल यार, 26 जनवरी को बड़ी बड़ी फिल्में भी आ रही हैं, एक बढ़िया शो आ रहा है, और ये शो देश के बारे में, और ये इसका फ़ायदा कुछ और है, आप कभी भी रिलीज़ कर लो इसको, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जैसे फिल्मों में चीज़ें आती, वीकेंड में इतना कमाना है, हफ्ते में इतना कमाना है, नहीं तो फिल्म हट जाएगी। ये तो आप कभी भी अपने आईपैड खोलो, अपना आईफोन खोलो या एंड्रॉयड खोलो, देखो मज़े लो इसके, मज़ा नहीं आ रहा तो बंद कर दो,
इसका कुछ और ही है रूप. मुझे लगता है ये माध्यम फ्यूचर है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. जी रिएक्शन तो बहुत ही वार्म और बहुत इनकरेजिंग मिल रहा है. ये पहली बार क्या है ना कि साढ़े चार से शायद पाँच घंटे की लंबी स्टोरी है, तो उन्होंने अब तक इसका 1/6 ही देखा है. तो उनको जितना देखने को मिला है उतना उनको बहुत पसंद आया. पीपल हैव रियली लव्ड इट. अब आगे के एपिसोड्स लोग देखेंगे कोहेसिवली, सब पूरे 1 to 10 देखेंगे, तो फिर समझ में आएगा कि लोगों को कहानी कैसी लगी. हाउ डिड दे लाइक द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर. कितना होमवर्क करना पड़ा इस कैरेक्टर को लेके आपको? कितना वर्कशॉप? जी वर्कशॉप नहीं, बट फिजिकली प्रेपरेशन बहुत करनी पड़ी थी, क्योंकि द पार्ट इज़ दैट ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हु इज़ इन द स्पेशल फोर्सेज. तो एक कमांडो की फिटनेस लेवल कहीं और ही होती है, और मैं कभी एथलेटिक नहीं रही हूँ अपनी लाइफ में, बट फॉर मी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू कम टू अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट मैं इतना जस्टिस कर सकूँ कि ये कैरेक्टर मैं दिख सकूँ एज मच एज पॉसिबल. तो अपनी तरफ से पूरी मैंने जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने करी. कुछ महीने 4-5 महीनों की ये प्रेपरेशन थी, फंक्शनल ट्रेनिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में वो सब छोड़ना पड़ा. एवरीथिंग वॉज अ सेक्रीफाइस. बहुत ही मुश्किल थे पहले 3 महीने, बहुत मुश्किल थे, बट दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी. इट्स बिन विद मी दिस कैरेक्टर आई बिन विद फॉर द ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. तो एक लंबी और एक लॉन्ग एक बहुत ही आई थिंक इट्स अ जर्नी दैट विल स्टे विद मी फॉर एवर. निमृत जी, स्क्रिप्ट हमेशा से आपको मिलती है, पिछली फिल्म भी देख ले या लंच कोई भी देख ले, जी ये फिल्म आप मानती इसे फिल्म जी ऐसा होता है कि एक नया मीडियम जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसके अपने एडवांटेजेस, जिस जो एडवांटेजेस वो लेके आता है वो मैं उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी. फिल्म ऑफ कोर्स इज़ यू नो एन एज ओल्ड मीडियम, इट इज़ समथिंग वी ऑल लव. आई लव गोइंग टू द मूवीज, आई लव गोइंग टू फिल्म थिएटर टू वॉच अ फिल्म. बट वेब सीरीज़ एक ऐसा मीडियम है जो आपके घर तक आएगा. आप अपने सोफे पे बैठ के, ट्रेन में, बस स्टॉप पे, गाड़ी में, कैब में, कहीं भी बैठकर अपने जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस पर देख सकते हैं. सो इट्स अ वेरी सेडक्टिव मीडियम जहाँ पे एक टाइम लिमिट नहीं है. हमें 2-2.5 घंटे में एक सेंसरशिप सर्टिफिकेट के साथ कोई स्टोरी बताने की जल्दबाजी नहीं है. आप पहले 5 एपिसोड देख के चाय पी के आराम से अगले 5 देख लीजिए, अगले 2-3 दिन में देख लीजिए, और अपने बैक एंड कॉल पे या द प्रेस ऑफ अ बटन आप एंटरटेन हो सकते हैं. एंड ये जो एक मीडियम है, जिस तरीके से ये अनफोल्ड होगा एज टाइम विल टेल आई एम श्योर, आई फील लाइक इट्स द फ्यूचर. और एक प्रिविलेज जो एज एन एक्टर मिलती है आपको टू वर्क इन अ मीडियम वेयर यू आर एबल टू टेल अ स्टोरी फॉर 4.5 to 5 hours, ये तो मतलब फीचर फिल्म्स में कहाँ नसीब होता है ये करने को. तो मेरे लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम इन माई करियर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलना जहाँ पे एक फीमेल सेंट्रिक पार्ट है और पूरी उसकी जर्नी दिखाई गई है, सारी कहानी उस लड़की की, यू नो, उस एकेडमी में आने से लेकर उसके अंत तक. ये जो एक मुझे निभाने को मिला किरदार, वो बहुत ही एक रेयर प्रिविलेज है इसको मैं कहूँगी. तो इनफैक्ट आई वुडंट हैव इट एनी अदर वे, बिकॉज मुझे पता है कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये फीचर फिल्म में हमें नहीं मिलेंगे. नहीं, नॉट रियली. आई थिंक मेंटली वॉट हैज़ बिन बिगेस्ट वेरी बिग एडवांटेज फॉर मी इज़ दैट मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कैंटोनमेंट्स में बड़ी हुई हूँ. पिछले द फर्स्ट 12 years ऑफ माई लाइफ आई हैव ग्रोन अप इन एन आर्मी एनवायरमेंट. तो मेरे लिए बड़ी नेचुरल हैबिटेट है आर्मी में रहना, आर्मी वर्दियाँ देखना. और कई बार सेट पे ऐसा होता था, आई वुड वॉक इन टू अ सीन एंड आई वुड जस्ट लुक एट इट कि अरे यार, ये तो पापा के उस उन अंकल वो जो फ्रेंड थे उनका ऑफिस लग रहा है, या ये एक्टर ये ऐसे अंकल लग रहे हैं जिनको मैं जानती हूँ. तो बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था, एंड ऐसा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में आज तक एज एन एक्टर मुझे नहीं मिला है, जहाँ पे आप सेट पे हैं, आप यूनिफॉर्म आप कॉस्ट्यूम में हैं, पर आपको लगता ही नहीं है कि आप कॉस्ट्यूम आपने पहना हुआ है.
तो मेरे लिए मेंटली एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ एंड लार्जर देन द मीडियम एंड द प्रोफेशन ये एक्सपीरियंस था। शिखा शर्मा के कैरेक्टर से बात की जाए तो क्या कितना रिलेट करती हैं आप इन रियल लाइफ? मेरे मुझ में इतना करेज नहीं है जितना शिखा शर्मा में। मैं काफ़ी डरपोक हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इतना करेज और इतना डिटर्मिनेशन नहीं रखती हूँ। तो मैंने उनसे बहुत कुछ मैं बहुत इंस्पायर हुई उस कैरेक्टर से कि एक लड़की होते हुए अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में धकेल देना, डीप एंड ऑफ द सी, यूर इन अ टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन एब्सोल्युटली यू नो अ मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट टू द पॉइंट कि वहाँ पे और कोई लड़की है ही नहीं। वहाँ पे अपने आप को डाल देना और फिर वहाँ पे टू गो थ्रू ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑल द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस दैट यू नो शी वेंट थ्रू, आई डोंट नो इफ आई पर्सनली हैव दैट करेज। द वन थिंग दैट आई डू रिलेट टू शिखा शर्मा इज दैट उनको कभी किसी ने ये वो अपनी मन की करती हैं, उनको ये कोई सिखा नहीं सकता कि आप ये करिए या ये ना करिए। सो आई फील दैट आई हैव बीन ब्रॉट अप दैट वे एज वेल, वेयर आई हैव बीन टोल्ड दैट यू नो यू शुड बी योर ओन हीरो एंड बी द हीरो यू वॉन्ट टू मीट। वो लाइन जो वो एक शिखा शर्मा बोलती हैं, आई रियली रियली फील दैट यू नो आई हैव ट्राइड टू वॉक दैट पाथ। Thank you, ma'am. Thank you so much.